और हाय दोबारा अभी दर्द फिर शुरू हो गया। पुण्य मिलेगा पुण्य। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका रावत परिवार यूट्यूब चैनल में। और सुबह की शुरुआत हो रही है अपने खूबसूरत पौधों के साथ। तो देखो यहाँ पे हमारे कितने अच्छे गुड़हल के फूल खिले हुए हैं। एक रेड ये वाला है और येल्लो ये वाला है। और पापा जी ने छत में बहुत सारी सब्जियाँ उगाई हैं और अभी वो ज़्यादा ज़्यादा घनी हो गई ना, तो पापा जी ने अलग अलग भी कर दिए, उनको अलग अलग गमले में शिफ्ट कर दिए ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सकें। तो आपको सब्जियाँ दिखाते हैं। तो देखो ये हरी हरी सब्जियाँ हो गई हैं, अब खाने लायक भी हो रही हैं। अब धीरे धीरे एक दो हफ्ते में हो भी जाएगी। देखो पापा जी लगे हुए हैं और यहाँ हमने उगा रखे हैं ये लहसुन, अब तड़के में काम आएगा ये सब। और हम आए थे, अब हमने नया रूटीन शुरू करा है कि हम सुबह सुबह थोड़ा सा घूमेंगे। और ये हमारा ना तीसरा शॉट है, क्योंकि हमारा जो माइक लगा रखा है ना उसमें आवाज़ नहीं आ रही, तो आई होप इसमें आवाज़ आ रही हो और हमें दोबारा शूट ना करना पड़े। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों घूमने के बाद पापा जी के लिए नाश्ता बना दिया। पापा जी ऑफिस जा चुके हैं और आप मुझे देख रहे होंगे घर पे। तो मैंने रिटायरमेंट ले ली है अपनी जॉब से। नहीं नहीं मैं नहीं मानता। ठीक है, तो उसका भी रीजन है रिटायरमेंट लेने का। तो कोई नहीं, आप व्लॉग में बने रहिए, पता चल जाएगा आपको आगे। तो अभी हम बना रहे हैं नाश्ता हम सबके लिए। और आज है नाश्ते में 6 मैगी सब्जी। तो दिखाते हैं आपको। पहले देखो ये है पनीर की भुर्जी कल रात की, और ये है 6 मैगी मम्मी और मैं खाएंगे। और इधर बन रही है चाय और इधर बन रही है रोटी। तो चलो मिलते हैं आपसे नाश्ता करके और आपको बताएंगे आगे। ओहो थैंक यू, चाय गिर जाती है अभी। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे आगे ब्लॉग में और आपको मिलवाएंगे मम्मी से। ठीक है। ओह माय गॉड, ये बोल रहे हैं कि जब तक मैं खाना बना रही हूँ तब तक ये धो रहे हैं बर्तन। तो बर्तन देखो, तो इनको बर्तन धोने देते हैं हम और हम बनाते हैं नाश्ता। सफाई अभियान शुरू हो चुका है, घर में लग चुके हैं जाले। पंखा बंद करूं? तो दोस्तों नाश्ता करने के बाद अब बारी है दोबारा से चाय बनाने की, क्योंकि लोग आ रहे हैं मम्मी से मिलने के लिए। तो अभी ये सेकंड शिफ्ट है मम्मी से मिलने की, इससे पहले और कोई आया था, अब कोई और आया है। तो उनके लिए चाय बना रहे हैं और थोड़ी देर में मिलवाएंगे आपको मम्मी से। ठीक है, आप मिस कर रहे होंगे ना मम्मी को, कि मम्मी इतने दिन से हमारे ब्लॉग में नहीं दिख रही। तो अब मम्मी से मिलवाएंगे। तो दोस्तों देखो हमसे मिलने कौन आया है, काके आया है। काके काके को थार चाहिए बड़ी वाली। थार काके को, थार को क्या करना है? पैसे जोड़ने पड़ेंगे थारे। ओ पैसे जोड़ने पड़ेंगे पहले हैं? अच्छा कौन जोड़ेगा पैसे? मैं जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। हम जोड़ेंगे। और काके पंजाब किससे जाता है? दीदी से जाता हूँ। किससे जाता है? दीदी से। दीदी से? वंदे भारत से नहीं जाता? मैं किससे जाता है? मेट्रो से। अच्छा है। कहा शिवाय आ गया बाहर? शिवाय बाहर आया। शिवाय शिवाय हाय हाय हाय। तो दोस्तों अब बारी है दिन के खाने की, और दिन के खाने में बना रहे हैं हम कढ़ी और चावल। तो आज इनको हम खिलाएंगे गढ़वाल स्टाइल की कढ़ी। Oh my God! Wow! रोज ये कमाऊनी कढ़ी खा देते हैं। आर यू रेडी? लेट्स सी कैसी होती है आपकी गढ़वाली कढ़ी। कैसी? हमारे में तो जोई बात करते हैं। हाँ पर मुझे जोई बोल मतलब मुंह में आता नहीं है ऐसे। तो बेसिकली आज बनना भाई जोई बात, ठीक है? कढ़ी फॉर्म में, गढ़वाली फॉर्म में, मतलब आज के लोग गढ़वाली नॉली बना रही है गढ़वाली कड़ी। और उतने देर से बोल रहे हैं हम मम्मी से मिलवाएंगे मम्मी से मिलवाएंगे, टाइम ही नहीं मिल पा रहा मम्मी से मिलवाने का, क्योंकि इतने सारे लोग आ जा रहे हैं ना। अभी मम्मी फ्री हुई है थोड़ा सा। तुम इतना तात के दिखा रहे हो बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रहे हैं ना, इसलिए।
बात तो सही है। बर्थडे के बाद शायद ही हमारा, क्योंकि लास्ट व्लॉग जो आपने देखा होगा वो पूजा के बर्थडे का था, उसके बाद से हमारी जीवन में थोड़ी सी उतर पुतल हो गई थी, तो अब थोड़ा सा लेवल में आ रहा है। तो दोस्तों फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जब हम सुबह से बोल रहे थे मम्मी से मिलवाते हैं, मम्मी से मिलवाते हैं, तो ये रही मम्मी। तो अभी मम्मी के बेल्ट लग रही है, तो मम्मी बताएंगे मम्मी को क्या हुआ था। अभी तो हम हंस रहे हैं, पर ये जो 10-12 दिन गए हैं ना हमारे, बहुत बुरी गए हैं मेरे, उसमें रीढ़ के हड्डी में फ्रैक्चर आ गया था, एक साल पहले आ गया था, उसके बाद दोबारा अभी दर्द फिर शुरू हो गया, और अब सर्जरी हुई है। अब सर्जरी हो रखी है, अब बिना सपोर्ट के हिलना नहीं है कुछ दिन तक जब तक अच्छे से सपोर्ट नहीं मिलता उसको, हड्डी को। तो अभी मम्मी बेल्ट बांधेंगी, बेल्ट लगाने के बाद वहाँ रखा हुआ है वॉकर, फिर उसके सहारे मम्मी जाएंगी। तो दिन में 3 बार चलना है धीरे धीरे करके। तो दोस्तों बात ऐसी थी कुछ कि मम्मी के जो पिछले साल से दर्द हो रहा था वो उस टाइम तो उन्होंने बोला था कि ये दवाई से ठीक हो जाएगा, वैसे उस टाइम भी उन्होंने बोला था कि लेज़र करनी पड़ेगी, तो शायद उस टाइम लेज़र कर लेते तो आज ऐसा नहीं होता। तो इस बार जो सर्जरी हुई है वो बड़ी सर्जरी हुई है, और पिछले 10-12 दिन से मम्मी हॉस्पिटल में थी, अभी लास्ट फ्राइडे में ही मम्मी घर आई है, फ्राइडे ही मम्मी घर आई थी। तो पहले इतने सब टेस्ट हुए, फिर MRI हुआ, तब जाके पता चला कि अब सर्जरी ही एक सॉल्यूशन है, फिर सर्जरी करवाई, और सर्जरी के बाद अब इतना चलना फिरना इतना मुश्किल हो गया है। तो कोई नहीं, वो तो थोड़े दिन की बात है, फिर मम्मी अपने आप से खुद चलने लगेंगी बिना सपोर्ट के। तो होप सो ये दर्द यहीं पे ख़त्म हो जाए, है ना, जो पिछले साल से इतना चलता हुआ आ रहा है, 1 साल हो गया। तो क्या अब शायद हमारे व्लॉग्स भी डेली आए, क्या बोलती पब्लिक? और यही रीज़न है जो पूजा ने रिटायरमेंट ले लिया। हाँ, तो रिटायरमेंट लेने का रीज़न यही है कि मम्मी को एक जना चाहिए ही चाहिए घर पे। तो कोई नहीं, बाकी दुख सुख तो लगा रहता है, मेन है फैमिली साथ में। बस और क्या, मम्मी जल्दी से ठीक हो जाएंगी फिर। ठीक मम्मी मतलब ठीक हो गई है, बस रिकवरी हो जाए, रिकवरी हुई, रिकवरी बाकी है, और फिर उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं हम आगे। मम्मी फिर हम घूमने निकल जाया करेंगे जब मम्मी ठीक होगी, हम टूर पे निकल जाया करेंगे। खाना लाओ यार, भूख लग रही है अपनी गढ़वाली कड़ी। खाना बन चुका है, अभी इनको पता नहीं पसंद आएगी नहीं आएगी वो मुझे नहीं पता, पर पापा जी जो बनाते हैं ना वो तो A1 होती है, तो इसलिए हम ज़्यादातर पापा जी के हाथ का खाना पसंद करते हैं। तो ये है भाई गढ़वाल की फेमस कौन सी गढ़वाल कड़ी तो है भाई फेमस, क्या प्याज वाली? हाँ ये है प्याज वाली कड़ी जो हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं घर पे। क्या ये पहले, यार जब मम्मी हॉस्पिटल थी पहले भी तो बनाया था, पता नहीं मुझे याद नहीं है, दिखने में अच्छा लग रहा है, बाकी मम्मी बताएंगे खा के कैसा हो रहा है। बनी है बढ़िया, वैसे मुझे बता था मम्मी बेकार तो कह ही नहीं सकती कभी। तो ये मैं ही बताऊंगा आपकी कैसे और क्या कहीं मम्मी कह सकती बताओ, पूजा ने मम्मी कभी बोलेंगी नहीं, मम्मी बोलेंगी नहीं, कोई भी बना के लिया है कैसे भी लिया है, पापा भी नहीं बोलते। अच्छा मैं भी नहीं बोलता भाई, नमक कम ज्यादा हो जाए तो। अब मैं करता हूँ ट्राई, चलो बैठो, चम्मच लेके आओ, बिल्कुल लेके आओ, आइए।
पर। तो ये है भाई प्याज वाली कड़ी। वाओ सही है। इसमें फायदा ये है कि सलाद काटना नहीं पड़ेगा, प्याज इसी के अंदर है। बढ़िया तो दोस्तों जैसे कि खाना मैंने बनाया था ठीक है, और उसके बाद का जो काम है वो इनके जिम्मे में है। तो ये धो रहे हैं बर्तन। ये भगवान क्या जुलुम है, देखो बर्तनों की रौड़ाड़ कितनी सारी है। तुम यही दिखाओ, मैं सब कमेंट में यही करते कि भाई तुम बर्तन धोते रहते हो क्या। अब क्या करें, उन्होंने कहा डुटाल जैसा दिखता पर डुटाल थोड़ी हो। समझ रहे ना आप, लेकिन सुन के अच्छा लगा। कुछ नहीं, जिसको समझ में आ जाए बता देना। क्या समझे? हमें कुछ समझ नहीं आया, इन्होंने कौन सी मतलब लैंग्वेज में इन्होंने हमें ताना दिया है। जो समझ जाए समझ जाना ठीक है, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूंगी आगे। तो ये बर्तन धो रहे हैं, अभी इनको बर्तन धोने देते हैं, और मम्मी और मैं व्लॉग देख रहे हैं, किसी का भी अपना नहीं देख रहे, बस किसी और का देख रहे हैं, क्योंकि हमारा तो आप लोग देखते हो है ना। हाँ इसलिए चलो फटाफट धो। दोस्तों शाम के 4:30 बज रहे हैं और मम्मी देखे अभी व्लॉग, मम्मी से पूछते हैं चाय बनाए या नहीं बनाए। मम्मी चाय बना ले। तो चाय बनाते हैं, तो शाम की चाय पहली चाय, दूसरी चाय पापा जी के साथ होगी, तो चलो बनाते हैं चाय। तो दोस्तों चाय बनके हो चुकी है रेडी, और चाय के साथ साथ सोचा कि शाम को क्या बनाएं, मतलब रात को क्या बनाएं खाने में, तब समझ में आया कि हमें बनानी है बीन्स। तो बीन्स काट के रख देते हैं, और चाय ये रही, बिस्किट ये रही, और एक बिस्किट और आ रहा है। सब्जी काट के हम रख देंगे, पर बनाना किसने? पापा जी ने, ठीक है। पर मुझे शर्म नहीं आती बोलते हुए क्योंकि आदत पड़ गई है, पापा जी बनाते हैं सब्जी ज़्यादातर। ये मेरे लिए बिस्किट लेके आ गए, ये कुकीज़। तो मैं भी कह रही थी कि शाम को सब्जी पापा जी बनाएंगे, मेरे को शर्म नहीं आती बोलते हुए अब। आदत पड़ गई। कौन बनाएगा सब्जी? पापा जी। पापा बनाएंगे? तो तुम कार्ड क्यों ले रहे हो? कार्ड भी पापा ही देंगे। तो अब आदत पड़ चुकी है, तो कुछ नहीं किया जा सकता इस आदत का। क्या जी? पापा बनाएंगे। चलो हैं, मम्मी ने कहा नहीं, मैंने बोला। वो तो शाम को पता ही चल जाएगा क्योंकि कौन बनाता है। आलू नहीं, आलू लाना। आलू ले आऊंगा बनाना। चलो ये बोला बना देना पापा जी के आने से पहले। चलो देखते हैं, मैं बनाती हूँ, पापा जी बनाते हैं। दोस्तों शाम के बज रहे हैं 7, और ये देख रहे हो ये चाय बन रही है ना, ये स्पेशल एक ही आदमी के लिए बन रही है, यहाँ पे कोई पीने वाला नहीं था चाय, तो उसके लिए ज़रूर बन रही है। और मैंने बोला था ना कि सब्जी कौन बनाएगा, तो सब्जी बन चुकी है, और ये सब्जी बनाइए पापा जी ने। मैं दिखाती हूँ, ये अक्कू महाराज, इसी के लिए चाय बनती है स्पेशल, ये बिना चाय पिए नहीं जाता यहाँ से। ये इसकी रिश्वत है। और इसको पढ़ाई के बारे में पूछ लो तब कुछ नहीं बोलता है। दोस्तों खाना पीना हो चुका है, और ये कर रहे हैं मम्मी की मालिश, और करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। तो मिलते हैं अब आपको डेली व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।